हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग वर्किंग विथ विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग पहले डेट दो अपने चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, पहले तो हम लोग विंडोज 10 के बारे में जानेंगे। विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे, उसका फीचर, गेटिंग कैसे स्टार्ट होता है, और फाइल एक्सप्लोरर, फाइल कैसे काम करता है। तो फाइल जो एक्सप्लोरर है उसमें मैनेजिंग द फाइल एंड फोल्डर, कैसे फाइल फोल्डर को मैनेज करें, व्यूइंग फाइल फोल्डर, कैसे हम लोग देखेंगे फाइल फोल्डर को, अरेंजिंग कैसे करेंगे, और सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे सर्च करेंगे कोई भी फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स है उसको, और भी क्या करेंगे, न्यू शॉर्टकट्स जो है विंडोज 10 का उसके बारे में जानेंगे, और टास्क बार फीचर के बारे में जानेंगे। तो ये रहा हमारा कीवर्ड्स, क्या हम लोग इस चैप्टर से जान सकते हैं या जानेंगे। ये आप लोगों के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों ने बहुत बहुत कम लोगों ने विंडोज 10 में काम किया होगा, क्योंकि ये टच सेंसिटिव है। अगर काम भी किया होगा तो टच सेंसिटिव में आप लोग अभी तक काम नहीं किया होगा, किसी ने किया भी होगा, बट बहुत ही न्यू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसमें हम लोग टच कर सकते थे। इससे पहले कोई भी कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें हम लोग टच करके कोई भी काम कर सकते थे, बट विंडोज 10 जब से आया है हम लोग मोबाइल की तरह अपना कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, टू बीइंग द क्लास, अच्छा तो क्लास टीचर आप लोग का क्या समझाएगा, यहाँ पे दिया गया है डिस्कस द स्टूडेंट के साथ मैं क्या डिस्कस करूँगा उसके बारे में दिया है। तो अभी हम जो मेन चैप्टर है वो शुरू करते हैं। वो क्या है, विंडोज 10 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, विंडोज 10 इज़ अ न्यू वर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, द वर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन फीचर फ्रॉम विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1। तो विंडोज 7 और विंडोज 8.1 का एक कॉम्बिनेशन हम अगर बोले तो क्या है, विंडोज 10 है। दिस वर्जन इज स्पेशली डिजाइन फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एज वेल एज। तो ये डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम भी बहुत सारा है। फीचर ऑफ ए विंडोज 10, क्या क्या फीचर है इसमें। पहला है यूनिवर्सल विंडोज एप्लीकेशन। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है यूनिवर्सल विंडोज एप्लीकेशन। क्या होता है ये, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कैन कम टू द विंडोज 10, कैन रन ऑन द वर्ल्ड विंडोज डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, गेम्स कंसोल एक्सेट्रा। तो ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे ऐप यूज होना शुरू हुआ, एप्लीकेशंस, ऐप्स। तो जो ऐप्स हम लोग मोबाइल में जैसे यूज़ करते हैं, इसमें भी हम लोग ऐप यूज़ कर सकते हैं, और इसी ऐप को हम लोग टैबलेट में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं, या फिर कोई भी गेम अगर मोबाइल का गेम है तो वो अगर एप्लीकेशन विंडोज़ का है तो हम लोग इस लैपटॉप में भी वही गेम या उस कंप्यूटर में वही गेम जो मोबाइल में होता है वो खेल सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि ये एप्लीकेशन सपोर्टेबल है। जो APP सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको बहुत ही अच्छा तरीके से ये सपोर्ट कर सकता है, जैसे एंड्रॉयड होता है मोबाइल में उस टाइप का। उसके बाद इसके में और क्या न्यू फीचर है, न्यू स्टार्ट मेनू। पहले हमारा जो स्टार्ट मेनू था, हम लोग स्टार्ट में क्लिक करते थे, एक ऐसा ही सिर्फ ये पार्ट नहीं आता था, सिर्फ ऐसा एक पार्ट रहता था, उसमें ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनका नाम दिया रहता था। बट इसमें क्या हो गया, जब भी हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा एक विंडोज़ ओपन हुआ है। इसमें इमेज के ज़रिए समझा दिया जा रहा है, अगर विंडोज़ एक्सप्लोरर बोले या फिर फोटोशॉप है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, इनके बारे में बहुत डिटेल्स मिल जा रहा है। तो हम लोग इजीली जान पा रहे हैं ये सॉफ्टवेयर क्या है, और क्लिक करने से खुल जाएगा। बट पहले क्या होता था, सिर्फ नाम आता था, नाम के ज़रिए हम लोग कुछ ढूंढ पाते थे, पिक्चर के ज़रिए हम लोग ढूंढ नहीं पाते थे। इट रिप्लेस द ओल्ड स्टार्ट मेनू विद द स्टार्ट स्क्रीन। तो इसमें स्क्रीन में आ गया पूरा, पहले एक मेनू आता था। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन द स्टार्ट मेनू अपीयर। द स्टार्ट मेनू इज फुल ऑफ द स्क्रीन मेनू विच शोन सम मोस्ट यूज्ड एंड रिसेंटली यूज एप्लीकेशन, पावर, सेटिंग्स, यूजर अकाउंट इन द लिफ्ट पेन। तो लिफ्ट पेन में आपका आ जाएगा ये सब। द राइट पेन शो द लाइव टाइटल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक अपडेट। जितने भी अपडेट अगर चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट चाहिए, अगर इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कौन सा एप्लीकेशन का अपडेट चाहिए या कुछ चाहिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
उसके बाद देखो एक बड़ा फीचर जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए भी बहुत अच्छा है वो है कॉर्टाना। तो कॉर्टाना क्या है? कॉर्टाना एक एआई है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो बात कर सकता है, जिसको हम लोग असिस्टेंट बोलते हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट रहता है, आईफोन में सीरी रहता है, वैसे ही इसमें क्या है, कॉर्टाना रहता है। कॉर्टाना क्या करता है, इज द वॉइस और द टेक्स्ट एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट, इट विल हेल्प यू द फाइंड द थिंग्स इन योर कंप्यूटर, सेट द अपॉइंटमेंट्स, आंसर द क्वेश्चन एंड मेनी अदर थिंग्स। टू यूज कॉर्टाना सिंपली टाइप ए क्वेश्चन इन द सर्च बॉक्स इन द टास्क बार और क्लिक द माइक्रोफोन आइकॉन एंड टॉक द कॉर्टाना। तो कॉर्टाना के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग सीरी या फिर मोबाइल में मतलब जो एंड्रॉयड है उसमें गूगल असिस्टेंट उससे बात करते हैं। इसमें अगर हम माइक्रोफोन जो साइन है यहाँ पे, इस माइक्रोफोन साइन में हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक आ जाएगा गोल टाइप का, ये जलता बुझता है और इसमें हम लोग बात कर सकते हैं। बात करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको सुनेगा एवं ये खुद भी बात कर सकता है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है हमें। तो जो कॉर्टाना है उसके ज़रिए यहाँ पे जो एक्टिवेट कैसे करें उसके बारे में दिया गया है। पहले दिया है राइट क्लिक द टास्क बार, टास्क बार में आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद कॉर्टाना में क्लिक कीजिए, उसके शो कॉर्टाना आइकॉन, तो कॉर्टाना आइकॉन ओपन हो जाएगा, वो खोलना पड़ेगा। द कॉर्टाना आइकॉन विल रिप्लेस द सर्च बॉक्स टास्क बार, तो उसमें टास्क बार या सर्च बॉक्स में आता है। उसके बाद है और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ नहीं करते थे हम लोग, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे नेट करने के लिए, बट अभी क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर से भी बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। विंडोज 10 इंक्लूड ए न्यू वेब ब्राउजर कॉल्ड एज, इट इज़ द फास्टर, मोर सिक्योर एंड इंक्लूड मेनी न्यू फीचर टू प्रोवाइड यूजर ए बेटर वेब एक्सपीरियंस। एज रिप्लेसेस द इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज हेल्प अस टू द राइट ऑन द वेब पेज विद द वेब नोट्स, रीड टेक्स्ट विदाउट डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। टू ओपन द एज जस्ट क्लिक द एज आइकॉन, मतलब यहाँ पे जो आइकॉन है इस टाइप का आइकॉन में हम लोग क्लिक करेंगे ऑन द टास्क बार, टास्क बार में जाके हम लोग क्लिक करेंगे एज में और ये जब ओपन हो जाएगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हो विंडोज 10 है, इट इज़ द लेटेस्ट वर्सन। मैं हम लोग इस ब्राउज़र में भी कोई मार्क करके, कुछ हमें पसंद आया उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, पॉइंट मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत इजीली और बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें और एक जो फीचर है वो है वर्चुअल डेस्कटॉप एंड टास्क व्यू। वर्चुअल होता है जब एक दो टाइप का क्रिएट डेस्कटॉप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक है ओरिजिनल और एक है वर्चुअल। वर्चुअल में बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं, अगर एक ही सॉफ्टवेयर का मतलब दोनों सेक्टर में दोनों ऐप मुझे चाहिए, सपोज एक ऐप का डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट ऐप बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक मोबाइल में एक ही व्हाट्सएप आता है, मगर अगर हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप या फिर ट्विटर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वही करता है। वर्चुअल डेस्कटॉप क्या करता है, पहले जो एक डेस्कटॉप में आप काम कर रहे हो वो तो चले गए, उसके बाद उसका एक क्लोन भी आप लोग बना सकते हो जिसमें पूरा एक नया तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसमें दूसरा काम भी आप लोग कर सकते हो। तो फिर एक मोबाइल का, एक कंप्यूटर का आप दो पार्ट, तीन पार्ट, कितने भी पार्ट कर सकते हो वर्चुअल ऑप्शन यूज़ करके। वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर अलाउ अस टू द रन मल्टीपल एप्लीकेशन वंस, एक मल्टीपल एप्लीकेशन को एक बार में हम लोग चला सकते हैं बहुत सारा जगह में। द टास्क व्यू फीचर डिस्प्ले द थंबनेल प्रीव्यू ऑफ द ओपेंड विंडोज एंड द मिडिल ऑफ द स्क्रीन। टू एक्सेस द टास्क व्यू इंटरफेस क्लिक द ये जो बटन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा लोकेशन ऑन द टास्क बार, तो टास्क बार जहाँ पे है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करके आप देखो बहुत सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद क्या है, एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर का बहुत ही ज़रूरी काम होता है कंप्यूटर में। एक्शन सेंटर इज़ ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज 10, इट हेल्प अस टू सी ऑल सिस्टम इंफॉर्मेशन सच एज इनकमिंग ईमेल्स, क्विक एक्सेस वर्जन सिस्टम, मतलब हम लोग कोई भी कंप्यूटर में कोई ईमेल आ रहा है,
कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कुछ भी अगर आएगा तो एक्शन सेंटर हमें साइड में बोल देगा, नोटिफिकेशन देगा कि आपके लिए एक ईमेल आया है, आपके लिए कोई मैसेज आया है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आया है, वो ऑटोमेटिक साइड में जो है साइड में आ जाता है, पॉपअप करता है, दिखाई देता है। तो इसका पहले तो एक आइकॉन रहता है, उस आइकॉन के ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर ये आइकॉन आपको नहीं मिले तो आप लोग क्या कर सकते हो, कीबोर्ड में प्रेस विंडोज़, इसको बोलते हैं विंडोज़, देखना कीबोर्ड में रहता है एक पिक्चर, वहाँ पे क्लिक करके प्लस ए अगर दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद है एक्शन सेंटर में, देखो लॉन्च किया गया है, यहाँ पे एक्शन सेंटर का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे क्लिक किया इन्होंने, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक्शन सेंटर ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आपका ईमेल आएगा या फिर आपको वाईफाई चाहिए, वाईफाई का टावर, अगर आपको कोई भी ब्लूटूथ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद है टैबलेट मोड। टैबलेट मोड क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप में कीबोर्ड है, कीबोर्ड का यूज़ आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ स्क्रीन में आप लोग यूज़ करना चाहते हो, तो टैबलेट जो मोड है उसको ऑन किया जाता है। ये टैबलेट मोड ऑन करने से क्या होता है, टच में ही टच फ्रेंडली और भी बढ़ जाता है। इससे क्या करते हैं, आप लोग को टच के लिए अलग सा कुछ डिवाइस नहीं चाहिए, इसमें आप लोग टच करके टाइप कर सकते हो, मोबाइल में जैसे काम करते हो वैसे ही काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो बहुत इजीली। तो यहाँ पे एक्शन सेंटर में जाके, एक्शन सेंटर आप लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक साइन आएगा टैबलेट मोड बोल के, इस टैबलेट मोड में आप लोग जब क्लिक करोगे तब देखना पूरा टचेबल फीलिंग आपका आएगा। नेक्स्ट जो है टैबलेट मोड में इन्होंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे लेनोवो का योगा लैपटॉप्स है या फिर अभी का कोई भी लैपटॉप ले लो, जैसे विंडोज 10 सपोर्ट होता है, उसको आप लोग सिर्फ स्क्रीन में ही आप लोग काम कर सकते हो, कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो उसको टैबलेट मोड ऑन करके बहुत ईजिली टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। अब क्या बोला है, गेटिंग स्टार्ट विद द विंडोज 10, कैसे स्टार्ट करोगे, पहले क्या करोगे, व्हेन एवर यू स्टार्ट योर कंप्यूटर अप वेलकम स्क्रीन इज डेट एंड टाइम एप्लीकेशन। तो पहले जैसा होता है कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो डेट टाइम आपसे मांगेगा और क्या होगा, स्क्रीन वेलकम स्क्रीन आएगा ऐसा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका नाम भी दे सकते हो और आपका पासवर्ड। तो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में तभी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तभी सेट किया जा सकता है, बाद में भी सेट किया जा सकता है बट तभी सेट करने से अच्छा होता है, आपके सिवा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब विंडोज़ ओपन हो जाएगा तो ऐसा एक स्क्रीन आएगा जिसमें आपका कर्सर होगा और डेस्कटॉप रहेगा। अब इसमें क्या क्या आइकॉन्स रहेंगे, पहले से यहाँ पे जितने भी आइकॉन, मतलब जब नया सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तब क्या क्या आइकॉन रहेगा, पहले तो रहेगा डेस्कटॉप आइकॉन, उसके बाद माउस पॉइंटर रहेगा और क्या रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, डेस्कटॉप मतलब पूरा सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप है, स्टार्ट बटन रहेगा, सर्च बॉक्स रहेगा, ये देखो सर्च बॉक्स यहाँ पे है, ये पिक्चर आप ठीक से अगर देखोगे यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा क्या क्या है, पहले जब हम लोग ओपन करते हैं तो क्या क्या रहता है नहीं रहता है। उसके बाद डेट टाइम ऑप्शन है, डेट टाइम ऑप्शन रहेगा, ठीक है, टास्क बार रहेगा, इस टाइप का जितने भी ऑप्शंस है ये पिक्चर में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पे मैंने बोला बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, ईमेल आता है या फिर कोई व्हाट्सअप, क्या व्हाट्सअप का मैसेज आ सकता है वहाँ पे, या फिर वाईफाई आपका चल के नहीं रहा, ब्लूटूथ नहीं चल रहा, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन एरिया जो साइड में है वहाँ में आ जाएगा। तो अभी जो है ये एक नया सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ अभी भी अपडेट आने वाला है और भी फ्यूचर में बहुत अच्छा अच्छा अपडेट भी आने वाला है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन और भी बात करेंगे और भी जानेंगे। आज यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे डेट दो। और ये जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब जहाँ से मैंने जहाँ तक पढ़ाया वो चैप्टर आप ठीक से पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आपके प्लस क्लियर होगा, क्योंकि विंडोज़ 10 बहुत ही कम लोगों के पास अभी ओरिजिनल वाला, मैं नहीं बोल रहा जो अभी तक नहीं है, बट हमारे यहाँ पे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में जैसा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसा डुप्लीकेट में आप लोग पायरेसी में आप लोग कर नहीं सकते। कोई भी कंप्यूटर हो जाए उसमें अगर विंडोज़ 10 है और वो अगर पायरेटेड वर्सन है तो वो बहुत सारा ऑनलाइन में आप काम करोगे तो वो काम नहीं होगा, अगर ओरिजिनल होगा तो वो काम 100% हो सकता है। सो यहाँ तक आप लोग पढ़ो, यहाँ पे अपना डेट दे देना, ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे, बाय।